दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्य और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। कहते हैं भगवान का नाम सुबह सुबह लेने से आपका दिन मंगलमय होता है। तो हम आपको पहले एक बात ही बता देते हैं जो भगवान राम से ही स्टार्ट होती है। आईआरसीटीसी करवा रहा है रामायण यात्रा। हाँ, ज़रूर आपने सुना होगा और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आईआरसीटीसी करवा रहा है रामायण यात्रा। 17 दिन में यहाँ घुमाया जाएगा। जाने कितना आएगा खर्च, हम पूरी डिटेल से हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं खबर, जहाँ पर आईआरसीटीसी भगवान राम के भक्तों के लिए खास पैकेज की शुरुआत की है। इस पैकेज के जरिए यात्रियों को भगवान श्री राम से जुड़े धार्मिक स्थलों पर घुमाया जाएगा और अलग अलग शहरों में लेकर जाया जाएगा। हम बताते चले कि आईआरसीटीसी ने देखो अपना देश की पहल के तहत डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन श्री रामायण यात्रा के लिए चलाई जा रही है। यह यात्रा 15 दिन से भी ज़्यादा वक्त की होगी और उन्हें अलग अलग ले जाया जाएगा। ऐसे में जानते हैं कि इस पैकेज में कहां कहां घुमाया जाएगा और इसके लिए यात्रियों को कितने रुपए खर्च करने होंगे। जानिए दिल्ली से शुरू होने वाली यात्रा कब से कब तक चलेगी। चलिए तो हम आपको बताते चलते हैं। 17 लंबे इस टूर से दिल्ली से यात्रा शुरू होगी। इसके बाद दिल्ली से अयोध्या, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी, प्रयाग, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम तक घुमाया जाएगा। इसके बाद रामेश्वर से दिल्ली वापसी होगी। इस दौरान क्या क्या कवर होगा, इसकी लिस्ट इस प्रकार हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी, सरयू घाट, नंदीग्राम, भारत हनुमान मंदिर और भारत कुंड, जनकपुर में राम मंदिर, राम जानकी मंदिर, सीतामढ़ी और पुनैरा धाम में जानकी मंदिर, वाराणसी में तुलसी मानस मंदिर, संकटमोचन मंदिर और विश्वनाथ मंदिर, सीता सहित स्थल सीतामढ़ी, सीता माता मंदिर और प्रयागराज में भारद्वाज आश्रम, गंगा यमुना संगम, हनुमान मंदिर और सिंगवेरपुर में श्रृंग ऋषि समाधि और शांत देवी मंदिर, रामचौरा चित्रकूट में गुप्त गोदावरी, रामघाट भारत मिलाप मंदिर, सती अनुसुईया मंदिर, नासिक में यंकेश्वर मंदिर, पंचवटी, सीता गुफा, कालाराम मंदिर और हम्पी में अंजनादी हिल, ऋषिमुख दीप, सुग्रीव गुफा, चिंतामणि मंदिर, मलवंत रघुनाथ मंदिर और रामेश्वर में शिव मंदिर और धनुषकोडी। यह कितने दिन में होगा ये भी आपको हम बताते। यह टूर 16 रात और 17 दिन का होगा और यह टूर दिल्ली से शुरू होगा। यह यात्रा 7 नवंबर 2021 को होगी। अब कितना खर्च लगेगा सो भी हम आपको बताते हैं। इस पूरी यात्रा में लगभग पैसे 1 लाख रुपए के आसपास लगते हैं, 1 लाख से थोड़ा ऊपर भी है। इस आधार पर तय हुआ कि अगर फर्स्ट क्लास से ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपको 1,02,095 रुपये तक खर्च करने होंगे और सेकेंड एसी में 82,950 रुपये खर्च करने होंगे। हम आपको बता दें कि ये चार्ज 2 लोगों के बुकिंग करने के लिए है। वहीं 3 जनों के लिए बुकिंग पर यह चार्ज कम हो जाएगा। इस चार्ज में यात्रियों के रहने, खाने पीने, किसी भी शहर में घूमने जैसे चार्ज आदि शामिल हैं। यात्रियों को एसी होटल में ठहराया जाएगा और इंश्योरेंस और गाइड जैसी सुविधाएं भी दी जाएगी। दूसरी खबर है समस्तीपुर के अंगार घाट से, जहां पर पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 3 अपराधियों को हथियार समेत दबोचा। 4 अपराधी कर्मी हो गए फरार। हम बताते चले इस डिटेल से कि समस्तीपुर जिले के अंगारघाट थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात्रि चैता सुंदरी चौक के पास पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 3 अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया। वहीं 4 अन्य अपराधी भागने में सफल रहे। यह सभी अपराधकर्मी रोसरा समस्तीपुर रोड अंगारघाट थाना क्षेत्र में पक्की सड़क पर वाहन लूटने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार अपराधियों में विभूतिपुर थाना क्षेत्र के खोकसाहा निवासी नीरस महतो के पुत्र धर्मेंद्र कुमार, सहदेव महतो के पुत्र अमरजीत कुमार उर्फ इंद्रजीत कुमार, कनिक पासवान के पुत्र सुशील कुमार शामिल हैं।
वहीं भागने वाले अपराधी में विभूतिपुर थाना क्षेत्र के ही खुकसाहा निवासी राजेंद्र महतो के पुत्र घूरन महतो, रामविलास महतो के पुत्र निरंजन महतो, बनारसी महतो के पुत्र छोटू कुमार, संजय महतो के पुत्र सत्यम कुमार शामिल है। पुलिस ने अपराधियों के पास से दो देसी पिस्तौल, दो गोली, तीन मोबाइल व एक उजले रंग की स्विफ्ट डिजायर बरामद की है। पुलिस ने बताया कि स्विफ्ट डिजायर के मालिक मोहम्मद इलियास के पुत्र मोहम्मद साबिर, जो विभूतिपुर थाना क्षेत्र के आलमपुर का रहने वाला है, वह अपनी गाड़ी को अपराध कर्मियों को घटना अंजाम देने के लिए देता था। यह सभी अपराध कर्मी उजियारपुर थाना क्षेत्र में बीते 30 जुलाई की रात्रि एक पिकअप वाहन हथियार के बल पर सातनपुर चौक से पहले लूट लिया था। छापेमारी टीम में अंगारघाट थाना अध्यक्ष प्रेम प्रकाश आर्या, संयुक्त मनीष कुमार चौधरी, सिपाही अशोक कुमार, संतोष कुमार राय व लक्ष्मण सिंह शामिल थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर समस्तीपुर मंडल में अब स्टेशन के बाहर भी खुलेगा रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, ये लोग बनेंगे एजेंट, ऐसे करें आवेदन, यानी कि आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं। अब रेल आरक्षित टिकट के लिए रेलवे स्टेशन स्थित PRS काउंटर पर लंबी कतार में खड़े होने की ज़रूरत नहीं होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन के बाहर भी यात्री अपनी सुविधा के अनुसार आरक्षित टिकट को बनवा सकते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर आरक्षित टिकट व सामान्य टिकट बेचने के लिए प्राइवेट व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। यात्री टिकट सुविधा केंद्र के लिए रेलवे ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके तहत समस्तीपुर रेल मंडल के NSG 2, 3, 4, 5 एवं 6 श्रेणी के 38 स्टेशनों को शामिल किया गया है। इन श्रेणी के स्टेशनों के कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली सह अनारक्षित टिकट प्रणाली टर्मिनल स्टेशन परिसर के बाहर में संचालित किया जाएगा। इसमें टिकट काटने वाले अनुभवी अभ्यर्थियों को ही प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाएगा। चयन करने की प्रक्रिया 3 वर्षों के लिए होगा अधिकृत। स्टेशन से बाहर YTSK खोलने के लिए मात्र 3 वर्षों के लिए ही अनुमति दी जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी 29 सितंबर तक सीलबंद लिफाफे में DRM कार्यालय में आवेदन जमा करवा सकते हैं। इससे संबंधित जानकारी एवं पूर्ण विवरण रेलवे के वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है, ताकि अभ्यर्थी वेबसाइट की मदद से भी PRS व UTS के लिए नियम व शर्तों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अब हम इसको डिटेल से बताते हैं। इन स्टेशनों के बाहर खुलेगा PRS काउंटर। समस्तीपुर रेल मंडल के चयनित 38 स्टेशनों के बाहर यात्री टिकट सुविधा केंद्र खोला जाएगा। इसके तहत समस्तीपुर, दरभंगा, सकरी, मधुबनी, राजनगर, जयनगर, बिरौल, झंझारपुर, लहेरिया सराय, रुसेरा घाट, हसनपुर रोड, सलौना, सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर, सुपौल, बनमनखी, दौरम, मधेपुरा, मुरलीगंज, पूर्णिया कोट, सीतामढ़ी, कमतौल, जनकपुर रोड, बाजपट्टी, रक्सौल, ढेंग, बैरगनिया, घोड़ासवाहन, बेतिया, सगौली, मझौलिया, चनपटिया, नरकटियागंज, हरिनगर, बगहा, बापूधाम, मोतिहारी, चकिया, मैसरी एवं मोतीपुर स्टेशन शामिल हैं। अब हम आपको इसको डिटेल से बताते हैं कैसे टिकट का कटता था पहले। रेल मंडल में पहले भी स्टेशन से बाहरी क्षेत्र में टिकट काउंटर खोलने की अनुमति दी गई थी। इसके तहत मंडल के चयनित स्टेशनों के बाहर केवल साधारण श्रेणी के टिकट के लिए सुविधा केंद्र खोला गया था। अब PRS की भी सुविधा इसमें दी गई है। पढ़ते हैं अब तीसरी खबर की ओर। समस्तीपुर से शराब पीने देवघर गए 15 लोग आपस में उलझे, बीच बचाव करने पर एक व्यक्ति को चलती बस से फेंक दिया गया। हम बताते चले कि बिहार में शराब बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी है, इसी कारण से लोग झारखंड के बॉर्डर में प्रवेश कर शराब पीते हैं। ऐसा ही एक वाक्या गुरुवार को देवघर के जसीडीह में देखने को मिला। बिहार के समस्तीपुर जिला से कांवड़िया वेश में लगभग 15 लोग ट्रेन से बाबा के मंदिर में पूजा करने आए। मंदिर बंद रहने के बाद सभी ने जमकर शराब पी और बस में सवार में होकर जाने लगे। इसी बीच जसीडीह के कुमैठा मोड़ के पास शराब के नशे में सभी लोग आपस में ही भिड़ गए। आपस में उलझते देख
सगदाहा निवासी गुलाब वर्मा बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने गुलाब की मारपीट की और बस में बैठाकर दूर ले गए। इसके बाद चलती बस से फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। गुलाब काफ़ी देर तक बेहोशी की हालत में सड़क किनारे पड़े रहे। उन्हें देखकर ग्रामीणों ने हो हल्ला किया, फिर जानकारी उनके परिजनों को दी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मारपीट करने वालों में एक समस्तीपुर जिले के बांगड़ा थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव निवासी मनोज शर्मा साथियों के साथ भागने में सफल नहीं हो सका। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि समस्तीपुर से लोग बाबा मंदिर पूजा करने देवघर आए थे। मंदिर बंद रहने की जानकारी मिलने पर उन लोगों ने देवघर बस स्टैंड के पास शराब खरीदी और बस से वापस लौटने लगे। कुमैठा मोड़ आते आते नशे में धुत इन लोगों की आपस में ही कहा सुनी हो गई। सभी आपस में ही लड़ने लगे। उन्हें लड़ता देखकर गुलाब वर्मा ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो सभी मिलकर उनसे ही उलझ गए। गुलाब के साथ आरोपियों ने मारपीट कर उन्हें बस में बैठा लिया, मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर लोगों ने चलती बस से फेंक दिया। गुलाब वर्मा के भाई महादेव वर्मा ने थाना में लिखित शिकायत दी। पुलिस मामले की छानबीन कर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कार्यालय विवाद पर अब तेजस्वी यादव की छोटी बहन अर्चना यादव भी कूद पड़ी हैं। उन्होंने कहा, आसमान से नहीं चचा, अर्चना उपासना एक्सप्रेस पर लाद के लाइए जमीन। नीतीश कुमार पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का करा हमला। बिहार में राजद और जदयू के बीच पार्टी कार्यालय के जमीन को लेकर जारी विवाद में आज लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की भी एंट्री हो गई है। गोपाल मंडल के बहाने रोहिणी ने नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि आसमान से जमीन लाने की बात करते हो, अपने विधायक के शर्मनाक करतूत पे मुँह में दही जमा लेते हो। लालू प्रसाद की बेटी ने एक के बाद एक ट्वीट कर नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। एक मीडिया रिपोर्ट के शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि आसमान से लाए जमीनवा, अरे चचा नहीं, अर्चना उपासना एक्सप्रेस पे लाद कर लाए जमीनवा। उन्होंने जमीन को लेकर कहा कि क्या अर्चना उपासना एक्सप्रेस से जमीन लाद कर लाए हो, तीन नंबरी पार्टी होकर भी सबसे ज़्यादा जमीन पाए हो। गौरतलब है कि राज्य की तरफ से आरोप लाया कि राज्य की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी उसे बीजेपी और जदयू से कम जमीन पार्टी कार्यालय के लिए दिया गया है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। शहर के मोहनपुर रोड में झपटमारों ने शिक्षकों से उड़ाया 125,000 रुपये। बताते चले कि समस्तीपुर के मोहनपुर में नगर थाना क्षेत्र के मोहनपुर रोड में बाइक सवार बदमाश सरेआम एक शिक्षक से 125,000 रुपये झपट कर फरार हो गए। इस बात बाबत पीड़िता शिक्षक बहादुरपुर निवासी शंभू चटर्जी ने थाना में आवेदन दिया है। आवेदन में शिक्षक ने कहा कि वह सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं। शुक्रवार को विद्यालय मद के रुपये जमा करने के लिए गोला बाजार स्थित इलाहाबाद बैंक की शाखा में गए थे। बैंक का सर्वर डाउन रहने के कारण वे रुपये जमा नहीं कर पाए। सर्वर ठीक होने का इंतजार करने के बाद शाम में घर के लिए निकले। शिक्षक के अनुसार उनकी पत्नी भी उनके साथ आई थी, जो मोहनपुर रोड में एक डॉक्टर के पास इलाज के लिए चली गई थी। बैंक से निकलने के बाद वे ऑटो से मोहनपुर रोड पहुंचे और अपनी पत्नी को लेकर घर के लिए निकले। उनके हाथ में रुपये वाला झोला था। मोहनपुर रोड में ही एक बाइक पर सवार दो बदमाश ने झपट्टा मारकर रुपये से भरा बैग झपट लिया, जिस पर शिक्षक ने शोर मचाया, लेकिन तब तक दोनों बदमाश भाग चुके थे। इस संबंध में नगर थाना अध्यक्ष अरुण कुमार राव ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बाढ़ से कितनी हुई तबाही, केंद्रीय टीम 6 सितंबर को बिहार आएगी, प्रभावित क्षेत्रों का करेगी दौरा। बिहार में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की टीम सोमवार को पटना पहुंचेगी। 6 सदस्यीय इसी टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश कुमार सिंह करेंगे। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालय के 5 अन्य अधिकारियों को टीम का सदस्य बनाया गया है। इसमें पटना स्थित केंद्र सरकार के मंत्रालय के 2 अधिकारी, केंद्रीय जल आयोग के निदेशक निगरानी संजीव सुमन और सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय के अधीक्षण अभियंता प्रदीप कुमार लाल भी शामिल हैं।
टीम दो दिनों तक बिहार में रहकर बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करेगी। बिहार दौरे से वापसी के दौरान ही राज्य सरकार की ओर से एक ज्ञापन सौंपा जा सकता है, जिसमें बाढ़ से हुए नुकसान की प्रारंभिक रिपोर्ट रहेगी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से टीम भेजकर बाढ़ से नुकसान का आकलन कराने का आग्रह किया था। उसके बाद केंद्र सरकार ने अंतर मंत्रालय टीम का गठन कर दिया। टीम सोमवार को पटना पहुंचकर यह तय करेगी कि उसे किस इलाके में जाना है। उनके कार्यक्रम के अनुसार ही राज्य के अधिकारी रूट तय करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपने विधायक गोपाल मंडल पर आखिरकार नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी, कहा जांच हो रही है, कार्रवाई भी होगी। हम बताते चले कि जेडीयू विधायक गोपाल मंडल को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आखिरकार शनिवार को अपनी ही चुप्पी तोड़ा और मीडिया के सवाल का जवाब दिया। इससे पहले शुक्रवार को जब मीडिया ने गोपाल मंडल के बारे में सवाल किया था, तब नीतीश कुमार बिना कुछ बोले ही निकल गए थे, जैसा उन्होंने सवाल को सुना ही नहीं। सर, गोपाल मंडल पर कुछ बोलिए करते हुए मीडियाकर्मी आवाज लगाते रहे थे, लेकिन आज नीतीश कुमार से मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि जांच ऊंचे हो रहा है, जांच होगी तो कार्रवाई भी होगी। बता दें, 2 सितंबर को तेजस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में पटना से नई दिल्ली की यात्रा के दौरान जदयू विधायक गोपाल मंडल अंडरगारमेंट्स में घूमते दिखे थे। गौरतलब है कि 2 सितंबर की रात पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुई तेजस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में सिर्फ जंघिया और गंजी पहनकर घूम रहे जदयू विधायक गोपाल मंडल की तस्वीरें पूरे देश में वायरल है। लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाने में आज दर्ज हुई एफआईआर ने विधायक के नंगे घूमने के पीछे की कहानी सामने ला दी। बिहार के ही जहानाबाद के रहने वाले प्रहलाद पासवान नाम के युवक ने दिल्ली जीआरपी में प्राथमिकी दर्ज कराई। इस एफआईआर में विधायक गोपाल मंडल की करतूत की पूरी कहानी बताई गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का आज शिलान्यास किए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जानिए खर्च और कब तक पूरा होगा यह प्रोजेक्ट। बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजना के तहत पटना के अशोक राजपथ पर डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का सपना पूरा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुबह 11:30 बजे पटना के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर की नींव रखें। सड़क निर्माण विभाग के आदेश पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने कारगिल चौक के पास होने वाले शिलान्यास जो हुआ समारोह की तैयारी कर ली थी पहले से ही। 422 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा डबल डेकर फ्लाईओवर। पटना के कारगिल चौक से एनआईटी मोड़ तक बनने वाले इस डबल डेकर पुल के बन जाने से न सिर्फ आम लोग राहत की सांस लेंगे, बल्कि इमरजेंसी के दौरान सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में मरीजों को लाने और ले जाने में भी काफ़ी सहूलियत होगी। लगभग 422 करोड़ की लागत से बनने वाले पटना के 2.2 किलोमीटर डबल डेकर फ्लाईओवर के 3 साल में तैयार किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि इसके निर्माण के दौरान सड़क के दोनों किनारों की कुछ भवनों को भी अधिग्रहण करने की जरूरत पड़ेगी। फ्लाईओवर से लोगों को जाम से मिलेगी बड़ी राहत। नक्शे के अनुसार इस डबल डेकर ब्रिज का एक हिस्सा पीएमसीएच के पुराने गेट के पास और दूसरा हिस्सा एनआईटी मोड़ के पास होगा। यानी जो लोग डबल डेकर ब्रिज से पटना सिटी इलाके की ओर जाना चाहते हैं वह सीधे पुल के ऊपरी हिस्से से जाएंगे, और जो अशोक राजपथ स्थित पटना विश्वविद्यालय के कॉलेज या पीएमसीएच जाना चाहते हैं वह पुल के निचले हिस्से का इस्तेमाल करेंगे। यानी पटना में बनने वाले इस पहले डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण के बाद इलाकों के लोगों की सड़क जाम की बड़ी समस्या को राहत मिलेगा। बात करें राजधानी पटना के पहले छपरा में बन रहे डबल डेकर पुल का निर्माण कार्य पूरा कर शुरू किया जाएगा। छपरा का डबल डेकर ब्रिज बिहार का पहला ऐसा पुल होगा जिस पर दोपहिया और चार पहिया वाहनों का आवागमन होगा। दरअसल 12 सितंबर 2017 को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद 11 जुलाई 2018 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छपरा में देश के सबसे लंबे 3.5 किलोमीटर डबल डेकर पुल की नींव रखी थी। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। मोहनपुर पंचायत में चुनाव 12 दिसंबर 2021 को अंतिम चरण में किए जाएंगे, लेकिन अभी से चुनाव का चर्चा बड़ी जोरों से हो गया है। सभी जो जीते हुए हैं और हारे हुए हैं या जो नए
प्रतिनिधि होंगे वह जोर शोर से अपने पंचायत में दिखते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि किसका पलड़ा भारी होगा कौन से पद के लिए। तकरीबन मोहनपुर पंचायत में अगर 6 पदों के लिए जोर दिए जाएं तो 100 से ऊपर उम्मीदवार होंगे। सिर्फ मोहनपुर पंचायत की अगर बात किया जाए तो वार्ड संख्या ही 14 वार्ड है मोहनपुर पंचायत में, उसमें से 100 उम्मीदवार हो जाएंगे ऐसा कहा जाता है। और पूरे उम्मीदवार को जोड़ लिया जाए, हर मुखिया सरपंच सबको मिला करके, तो 100 उसमें से दो टोटल उम्मीदवार तकरीबन 200 हो जाते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि जिसको वार्ड सदस्य में 200 वोट आ जाते हैं वह जीत जाता है, लेकिन यहाँ पर 200 उम्मीदवार खड़े नज़र आएंगे इस बार के चुनाव में। दिलचस्प बात यही है। तो आप लोग भी अपने इच्छा के अनुसार जो आपको लगता हो अच्छा नेता हो उसको आप वोट और सपोर्ट करें। और हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें और ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।